नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 घंटों की 24 खबरें और मैं हूं शुभ्रा। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर महिला ने फेंकी चप्पल, बोली ये जनता का धन लूट रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NIA और दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, मिथिलेश विजय RJD छोड़कर मुकेश सहनी की VIP नाव में हुए सवार। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की। नहीं भंग करेंगे मंत्रिमंडल, 4-5 नए चेहरे होंगे शामिल, बोली ममता। DK शिव कुमार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने 4 आरोपियों को दी जमानत। अब दफ्तरों पर कब्जे की जंग, शिवसेना कार्यालय में एकनाथ शिंदे की तस्वीरें लगाने से बवाल, बढ़ा तनाव। लाल किले से संसद तक सांसद बुधवार को निकालेंगे तिरंगा बाइक रैली, सरकार की सभी दलों से साथ आने की अपील। अहंकारी राजा की छवि चमकाने में अरबों रुपए फूक रही है सरकार, आवाज दबाने के खिलाफ लड़ते रहेंगे राहुल गांधी। भारत में भी छिपे हैं कई अल जवाहिरी, उन्हें चुन चुन कर मारना होगा, भाजपा सांसद रवि किशन। अंजनाद्री पहाड़ियों में हुआ था भगवान हनुमान का जन्म, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने फिर छेड़ी जन्मस्थान को लेकर बहस। गोवा बार विवाद, कांग्रेस नेताओं को कोर्ट से झटका, SC बोला बदनाम करने की साजिश। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हो बर्खास्त, BJP नेता केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे। ओम प्रकाश चौटाला ने की सजा पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलही ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी ड्रोन हमले में मारा गया, बाइडेन ने की पुष्टि। अब कुछ अन्य खबरें। मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, 1970 से मौजूद है, संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया क्या कर रही है सरकार। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि यह बीमारी नई नहीं है, उन्होंने कहा हम कोरोना वायरस से मिली सीख को लागू कर रहे हैं, वायरस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर खड़े इंडिगो विमान के नीचे कार घुस गई, विमान सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की जाँच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। लंपी वायरस की जाँच के लिए राजस्थान पहुँची केंद्रीय टीम, जोधपुर और नागौर का हुआ दौरा। पंजाबी सिंगर जानी को जान का खतरा, CM भगवंत मान को लिखे पत्र में मूसेवाला का किया जिक्र। लॉन बॉल में भारत ने पहली बार जीता स्वर्ण, महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। PM मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दिया दिल्ली में धरना, देश भर में पश्चिम बंगाल राशन मॉडल लागू करने की मांग। एशिया कप का शेड्यूल जारी, 28 अगस्त को भारत का सामना पाकिस्तान से, UAE में होगा टूर्नामेंट। लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट की मांग के बीच जारी हुआ फिल्म का नया पोस्टर, यूजर्स बोले तेरा क्या होगा चड्ढा। ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार, ऐसे ही समाचारों के लिए जुड़े रहें हमसे यानी द डेली टाइम्स से।